Friends, welcome back to our channel Java in Hand. This is our new video of Oracle Apex. In this video, we will learn how to use your profile into site navigation menu. So, दोस्तों आपका ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते आगे और आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने किसी भी यूजर की प्रोफाइल को किसी भी कंपनी के लोगों को आप अपने साइट नेविगेशन मेन्यू में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ हम ये सीखेंगे कि आप अपने रीजन को भी इस नेविगेशन मेन्यू के अंदर साइट नेविगेशन मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसी के थ्रू आप किसी भी प्रोफाइल को किसी भी इमेजेस को आप अपने साइट नेविगेशन मेन्यू में दिखा सकते हैं। आप अपने ग्राफ को भी इस नेविगेशन मेन्यू में दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर आप यूजर परसेंटेज ग्राफ दिखाना चाहते हैं, कुछ किसी भी तरीके का एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं तो आप इस साइट नेविगेशन मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी ही इंटरेक्टिव कर देता है आपके वेबसाइट इन डिजाइनिंग को, काफी लुक ले आता है आपके स्क्रीन के अंदर। सो आपका ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बढ़ते आगे और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम वन बाई वन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और किस तरीके से ताकि आपको इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने पेज डिजाइनर सेक्शन के। पेज डिजाइनर सेक्शन के अंदर आपको करना क्या होगा, एक आपको रीजन डिफाइन करना होगा। उस रीजन के अंदर आपको करना क्या होगा, इमेज SRC आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, कोई भी आप टेम्पलेट आप मैनुअली टेम्पलेट बना सकते हैं, क्लासिक रिपोर्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, वहां पे अपनी इमेज, तो इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको स्टैटिक शो कर रहा हूं। इमेज SRC के अंदर आप किसी भी यूजर किसी भी का अपनी कंपनी के लोगों को भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है नीचे अपीयरेंस सेक्शन के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है ब्लैंक विद एट्रीब्यूट। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, CSS क्लासेस में यहाँ पर आपको अपनी क्लास को ऐड करना है, CSS क्लास को ऐड करना है, जो कि आपके रीजन की क्लास के साथ ये इंटरेक्ट होगी, जिसको हम आगे यूज करेंगे अपने रीजन को साइड नेविगेशन में ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको आना है आपका रीजन डिफाइन हो चुका है, आपने इमेजेस ऐड कर दिया है, रीजन भी आपने डिफाइन कर दिया है, इमेजेस भी CSS भी आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको आना होगा डायनेमिक एक्शन में, आपको एक डायनेमिक एक्शन ऐड करना है जो कि आपका लगेगा पेज लोड पे। वो डायनेमिक एक्शन क्या होगा, वो होगा आपका एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट को प्रीपेंड टू क्लास। आपका करता क्या है, एक जावास्क्रिप्ट jQuery का मेथड है जो कि क्या करता है, किसी भी डिफ सेक्शन के अंदर चीजों को ऐड करने के लिए हम प्रीपेंड टू क्लास ऐड करते हैं। तो आप इसके बारे में और डिटेल में भी जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, किसी भी ट्यूटोरियल से आपको बहुत काफी ज्यादा इसके काफी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ट्रू क्लास के अंदर ट्रू एक्शन के अंदर आपको एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड करना है। उसके बाद आपको करना क्या, उस कोड में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो कि आप जानते ही है jQuery का सिंबल आपको यूज करना, फिर आपको अपनी क्लास यूज करनी है जो कि हमने क्लास डिफाइन करी थी टेम्पलेट सेक्शन में। उसके बाद आपको मेथड भी यूज करना है प्रीपेंड टू। तो आपको ये पता ही होगा कि jQuery जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, जिस फॉर्म में हम उस मेथड को यूज करें उसी फॉर्म में इसको छोटा बड़ा ना करें ताकि आपके इजिली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीपेंड टू #t_treeNav ये आपका क्या है, जो आपके साइड नेविगेशन मेन्यू इसकी जो आईडी है वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट आप कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आपको ऊपर सेक्शन में जाना है। अब आपको ये ट्री सेक्शन कहाँ मिलेगा, ये जो आपकी आईडी है ये किस डिप पे मिली है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पूरा साइड नेविगेशन मेन्यू की आईडी है। तो हम इस आईडी को यूज करके उसके अंदर अपनी जो आपने जो रीजन को ऐड करा था उस डिप को, यानी हर एक जो रीजन हम डिफाइन करते हैं वो एक पर्टिकुलर डिप है, उसके अंदर हमने एक क्लास ऐड करी थी जावा इन हैंड, उस क्लास के थ्रू हम इस इमेज SRC को शो करा रहे हैं। तो ये क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, ये आपकी क्लास को यानी आपके रीजन को उस सेक्शन के अंदर ये ऐड करेगा। तो आप इसको ऊपर भी दिखा सकते हो और नीचे भी दिखा सकते हो। नीचे दिखाने के लिए इसको आपको अपेंड करना होगा,
यानी इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रीपेंड टू होता है, एक अपेंड टू होता है, उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको साइड नेविगेशन के नीचे आपको कुछ दिखाना है। तो आप एक साथ दो 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 रीजन भी आप अपनी साइड नेविगेशन मेन्यू के अंदर यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डिजाइन, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको आपको फायर ऑन इनिशियलाइजेशन नो करना है और इफेक्टिव एलिमेंट आपका कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद आपका जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका जो रीजन है वो आपका ऐड हो जाता है आपका, बट आपका क्या होता है थोड़ी बहुत इसमें क्लियरिटी नहीं रह जाती है कि जैसे कि आप इसको, आपको ये भी चाहिए कि जब हम इसको कोलेप्स करें अपने नेविगेशन मेन्यू को तो वो आपका जो यूजर प्रोफाइल या आपके कंपनी का लोगो वो हाइड हो जाए, क्योंकि ये काफी ही अच्छा नहीं लगेगा इतने से स्पेस के अंदर। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सीएसएस करनी पड़ेगी। उस सीएसएस के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इनलाइन सेक्शन में जाना और वहां पे डिफाइन करना है कुछ ये सीएसएस हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। आपको टी हैश जो आपको हमने आईडी बताई थी उसको डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हाइट 100%, इसी तरीके से उसके यूएल पे और उसके क्लासेस पे जो हमने डिप डॉट क्लास हमने जावा इनहैंड दी था उसकी प्रॉपर्टीज पे आपको ये सीएसएस फिक्स करनी होगी। उसके बाद हैश टी पेज बॉडी एपेक्स साइन लेफ डॉट जेस कोलैप्स्ड, जब भी हम इसको कोलैप्स करते हैं एक्सपेंड और कोलैप्स तो ये क्लासेस ऐड होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करोगे उसको डिस्प्ले नन कर देते हो। उसके बाद अगर आपको और भी सीएसएस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसके साथ और आपका काफी ही अच्छे आपके वेबसाइट का लुक हो सकता है इसके थ्रू, जो कि बहुत सी जगह ये यूज भी करते हैं हम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें भेजते रहें कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक्स की वीडियो को हम जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Yeah.